देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, यहाँ से मेरी कार स्किड करती हुई गई और देखें आप तो कितनी दूर तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मेरी कार काफी दूर जाके रुकी। मैंने 80 की स्पीड में अपनी कार में ब्रेक लगाए थे और मेरी कार स्किड होते हुए काफी दूर गई, फिर जाके मेरी कार रुकी। लेकिन ऐसा अगर मेरी कार में ABS होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ABS हमारे व्हील को लॉक नहीं होने देता। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे नॉन ABS कारों में जो हमारे व्हील होते हैं दोस्तों, वो लॉक क्यों होते हैं, क्यों हमारी कार स्किड करती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जब हम कार में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लगाने के बाद दोस्तों जो डिस्क पैड होते हैं वो हमारे डिस्क प्लेट से जाके चिपक जाते हैं। जब तक चिपके रहते हैं दोस्तों, जब तक हम ब्रेक को प्रेस करके रखते हैं। अब हम ब्रेक को प्रेस करके इसलिए रखते हैं दोस्तों, अगर सामने कुछ हमारे आ जाता है, हम ब्रेक को दबाते हैं तो हम ब्रेक तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि कार रुके ना। तो हमने दबाया ब्रेक को तो वो जो डिस्क पैड है दोस्तों वो जाके डिस्क प्लेट पे चिपक गया। तो हम जब तक पैर नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे व्हील वो वहाँ से हटेगा नहीं और हमारे व्हील फ्री नहीं होंगे, तो जब तक हमारे व्हील को वो होल्ड करके रखेगा। अब होल्ड करने के बाद होगा दोस्तों, अगर हमारी कार 80 की स्पीड में हम ब्रेक लगाते हैं तो वो चिपक जाता है उस पर, उसके बाद व्हील घूमना बंद हो जाएगा। ठीक है, हमारी कार में ब्रेक लगेंगे फिर, लेकिन जो इतनी ताकत से कार चल रही थी तो उस ताकत को नहीं रोक पाता हो, तो कार होगी स्किड, वो भी काफ़ी दूर तक। अगर डिपेंड करता हमारी स्पीड कितनी, अगर 100 हो, 120 हो, तो काफ़ी दूर तक जाके हमारी कार स्किड करती है। और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं भी इसी कारण से होती, क्योंकि कार रुकती तो है नहीं, नॉन ABS कारें हैं, तो स्किड होते हुए जाके उस पर टकराई जाती है। अब यहाँ पे ABS क्या काम करता, अगर हमारी कार में ABS होता तो, अगर हम हमारी कार में ABS होता, हम ब्रेक को दबा देते हैं। ब्रेक को दबाने के बाद होता क्या दोस्तों, जो डिस्क पैड है वो फिर डिस्प्लेट पे जाके चिपकेगा, क्योंकि उसने तो कार को रोकना है। चिपकने के बाद होगा क्या दोस्तों, अब हमारे व्हील को उसने लॉक होने से बचाना भी है और कार को रोकना भी है। तो जब हम ब्रेक को दबा के रखेंगे दोस्तों, तो वो चिपक के फिर झटके से अपने आप ही छूट के फिर दोबारा पकड़ता, फिर छूटने के बाद फिर दोबारा पकड़ता, छूटने के बाद फिर दोबारा पकड़ता, तो ये इस तरीके से काम करता है। वो हमारे व्हील को लॉक होने से बचाता है और हमारे जो स्टीयरिंग है दोस्तों, हमें कार को अगर मूव करना हो तो हम मूव भी कर पाते हैं कार को। अगर हमें लेफ्ट मूव करना, राइट मूव करना, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नॉन ABS कार के साथ है दोस्तों, तो व्हील लॉक होने के बावजूद भी हमारा स्टीयरिंग भी मूव नहीं होगा, हम कार को भी लेफ्ट राइट मूव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही बातें कि क्या ABS होता, क्या नॉन ABS होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों लाइव एक डेमो करके कि कितनी जल्दी हमारी कार रुकती है अगर हमारी कार में ABS होता, अगर हमारी कार नॉन ABS होती कितनी दूर जाके हमारी कार रुकी। तो आप देखिए इस वीडियो में, एक ABS वाली कार है, एक नॉन ABS वाली कार है। तो चलिए दोस्तों, अभी हूँ मैं अपनी डिज़ायर में, ये है नॉन ABS कार। तो अभी देखते हैं इसको चलाते हैं हम 80 की स्पीड पर और देखते हैं किस तरीके से हमारी कार में ब्रेकिंग पावर है या किस तरीके से हमारी कार ब्रेक लेती है और कितनी दूर तक स्किड करती है कार। तो चलिए पहले पीछे देख लेते हैं हम, कोई कार आ तो नहीं रही है, और फिर उसके बाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी कोई कार आ नहीं रही, तो ये सही मौका है कि हम करें ट्राई। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हमारी कार की बहुत ज्यादा स्पीड। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, यहाँ से मेरी कार स्किड करती हुई गई और देखें आप तो कितनी दूर तक। तो चलिए दोस्तों, अभी हैं हम SX4 ZDI विद ABS। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं सीट बेल्ट और अभी करते हैं इसमें ट्राई। तो चलिए कार हो चुकी है स्टार्ट, तो चलिए इसको भगाते हैं 80 की स्पीड पे और फिर लेते हैं कार में ब्रेक। सबसे पहले पीछे देख लेता हूँ, कोई कार तो नहीं आ रही, तो चलिए। अभी हो चुकी 40, 60 और 80। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, कार में ABS होने से ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना ज़्यादा कम हो जाता है, कितना सेफ है हमारे लिए, कितना हम सेफ रहेंगे इससे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप नई कार या बाइक अगर आप खरीदते हैं दोस्तों, तो
ध्यान रखें वहाँ पर कि कम से कम उस कार या उस बाइक में ABS ज़रूर हो, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।